नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा और बड़ी सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। आज की बड़ी सुर्खियों में शुरुआत करेंगे देश के जाने माने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा से, जिनकी लंबी बीमारी के बाद 86 की उम्र में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपेट कर नरीमन पॉइंट लाया गया। यहीं शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कराए गए। कल पेश होगा जम्मू कश्मीर सरकार का गठन का दावा। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल LG से मिलेगा। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण संभव। केरल विधानसभा में एक देश एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। प्रस्ताव पारित करते समय संसदीय कार्य मंत्री MB राजेश ने कहा, संसद विधानसभा और स्थानीय स्वशासन के चुनावों को खर्च के रूप में देखना लोकतंत्र विरोधी है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर 3 मंजिला इमारत में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग से हुआ भारी नुकसान। वहीं बात करें मौसम की तो MP में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग हुआ खंडित। छत्तीसगढ़ में हुई एक व्यक्ति की मौत। आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा में हार से नाराज हुए राहुल गांधी। समीक्षा मीटिंग में बोले, नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इस मीटिंग में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बुलाया गया। हिमाचल में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला के पोस्टर। हिंदुओं से सामान खरीदने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की गई लोगों से अपील। देवभूमि संघर्ष समिति ने लगाया पोस्टर। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की तेजी रही, तो वहीं निफ्टी भी 100 अंक चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की ताजा खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी का कहना है कि EVM में गड़बड़ी हुई है, जिस पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बनने के बाद अनिल विज के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हार गई है, अब अपने हार का संस्कार वो कैसे करते हैं ये उन पर है। वो जलाकर करते हैं या दबाकर करते हैं। दरअसल EVM की गड़बड़ को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव आयोग से मुलाकात पर नव निर्वाचित भाजपा विधायक अनिल विज ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग में जाने के मामले पर कहा कि इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, भाजपा जीत चुकी है और भाजपा की सरकार चंद दिनों में बनने जा रही है। साथ ही कहा कि हमने तो चुनाव जीतने के एक दिन बाद से ही विकास कार्यों का काम शुरू कर दिया है। 7 बार मैं जीत चुका हूँ, 8वीं बार मैंने अब जीतने की तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे चुनाव में जिम्मेदारी निभाई है। मैंने हर मुकाम पर यह बात की कि भाजपा की अपने दम पर सरकार बनेगी और वैसा ही हुआ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो वही लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को चुनाव में बड़ा झटका लगा है। दरअसल 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव की हवा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बदल गई। दलों की रणनीति और प्रत्याशियों की मेहनत के चलते कई दिग्गज नेताओं के दुर्ग दह गए। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अकेले ही ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र से आने वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाया है। वहीं दूसरे केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत की 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 पर ही कांग्रेस की जीत हुई है। आपको बता दें कि रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने भी लोकसभा चुनाव में अपने अपने हलकों की सभी 9 सीटों पर एक तरफा बढ़त हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये सभी सीटों पर अपनी पार्टियों के प्रत्याशी को जितवा नहीं पाए। रोहतक में चुनाव मतगणना के दौरान जाट संस्था के पास भीड़ को रोकने और वीडियोग्राफी का विरोध करने पर कांग्रेस सेवा दल की नेत्री सुदेश हुड्डा पर पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। दरअसल घटना के दौरान महिला नेत्री ने हेड कांस्टेबल करमवीर को थप्पड़ मारा और महम थाना प्रभारी निरीक्षक से धक्का मुक्की करने के आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने PGIMS थाने में कांग्रेस नेत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताते चले कि घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सुदेश हुड्डा की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना भी शुरू कर दिया है। महिला नेत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता
BNS की धारा 221, 132 और 121 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। पुलिसकर्मी से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारने के बाद प्रत्याशियों ने कारणों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने मंगलवार को जहां कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, तो वहीं बुधवार को हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा ने पार्टी कार्यालय में समर्थकों के साथ बैठक की। चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि हलोपा ने भाजपा सरकार को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस मुक्त प्रदेश के लिए जनादेश दिया है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। भले ही वे चुनाव में हार गए लेकिन सरकार उनकी ही बनी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में वे बिना शर्त भाजपा की सरकार के साथ खड़े रहे और कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उस दिन सिरसा में दिवाली मनाई जाएगी। हरियाणा के राइस मिलरों की हड़ताल के कारण कई दिनों से धान की खरीद नहीं हो पाने के कारण लगातार अनाज मंडी में अनाज के ढेर लग रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बुधवार को राइस मिलरों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वहीं वीरवार से धान की खरीद सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि हरियाणा शेलर एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने बताया कि एसोसिएशन ने किसानों की परेशानी को देखते हुए हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। अब खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी, लेकिन अन्य कुछ यूनियन इस बात पर राजी नहीं थे। मगर मंडियों में धान की आवक तेज होने के बाद उठान की समस्या हो रही थी। इसके बाद पूरे प्रदेश में राइस मिलरों को हड़ताल खत्म करने की सूचना दे दी गई है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास और बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।